अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम फिर से बात करने वाले हैं उर्दू टाइटल में, लेकिन प्रोफेशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम EDS में कैसे उर्दू टाइप कर सकते हैं, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी हमें। हम फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते थे, इसके अलावा उसकी कुछ कलर करेक्शन अच्छे तरीके से नहीं ऐड कर सकते, वही कलर करेक्शन कर सकते थे जो EDS में जर्नल कलर दिए जा चुके हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम एक अच्छे तरीके से उर्दू टाइटल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यूज़ करने वाले हैं इन पेज को, और उसके बाद हम कोरल ड्रा को यूज़ में लेंगे, और फिर हम फोटोशॉप को यूज़ में लेंगे, और उसके बाद जाकर हम अपने EDS पे टाइटल को क्रिएट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। अपने इन पेज को ओपन कर लें, ओपन करने के बाद अपने एडिट पे आ जाएं, और एडिट पर आने के बाद आप आ जाएं कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने फॉन्टिक्स सिलेक्शन की हुई है, तो आप भी इस फॉन्टिक की सिलेक्शन कर लें। ऑलरेडी आपके पास जो होगा वो होगा मोनोटाइप, तो आप मोनोटाइप से फॉन्टिक्स पे आकर क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि आप जो भी इंग्लिश का बटन प्रेस करेंगे उसके साथ आपकी उर्दू लिखी जाएगी। मैं बे लिखना चाहता हूं तो मैं सिंपल बी को प्रेस करूंगा तो हमारी बे टाइप हो जाएगी, और इसी तरह आप जो भी वर्ड टाइप करेंगे उस लिहाज से आपकी टाइपिंग होती जाएगी। तो मैंने अपने इन पेज को ओपन किया हुआ है, तो चलिए कुछ टाइप कर देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं शादी मुबारक। तो शादी के लिए हमें एस की जरूरत होती है, शीन, एक्स शीन है जो वो एक्स के साथ आता है। अलफ दाल छोटी ये शादी मुबारक, तो ये हमने टाइप कर लिया शादी मुबारक। तो यहां से हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि हमें अच्छे से नजर आ सके। तो ये इस तरह क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि फॉन्ट चेंज है। इन पेज पे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं यहां से इसका फॉन्ट चेंज करके ये वाला फॉन्ट रखने वाला हूं। तो जैसे ही आप अपने इन पेज पे उर्दू को कंप्लीट कर लें, कंप्लीट करने के बाद आप आ जाएंगे अपने सिलेक्शन टूल पर। सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल, इसके बाद आप कर लेंगे कॉपी जो भी आपका मटेरियल होगा। मैं अभी फिलहाल इतना ही लिखने वाला हूं, शादी मुबारक। तो आगे हम आ जाएं तो यहां पे हमारे पास आ जाता है कोरल ड्रा, ठीक है। तो कोरल ड्रा में भी आप एक न्यू पेज ले लें जो भी हो, सिंपल सा आप कोरल ड्रा इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपसे जो फर्स्ट पेज होता है आप उस पे आ जाए, ठीक है, न्यू पेज पे। तो यहां पर आने के बाद मैं कंट्रोल वी, ठीक है, हमने पीछे से जो सिलेक्शन की थी वो वाली यहाँ पे लाकर हमने पेस्ट कर दी। इसके अलावा आप एडिट पे आ जाए तो एडिट पे भी आपको ऑप्शन मिलता है पेस्ट का, तो आप यहां से इसको पेस्ट कर सकते हैं जो भी आपने लिखा होगा इन पेज पे। वहां से आपने सेलेक्ट करके कॉपी किया और यहां पर आपने पेस्ट कर लिया। तो मैं इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करने के बाद शिफ्ट F2, जैसे ही मैं शिफ्ट F2 करूंगा तो ये अपनी फिट पोजिशन में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा, ठीक है, मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया है। तो कोरल ड्रा को हम क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई उर्दू के लफ्ज लिखते हैं तो उनकी जो सेटिंग है वो हम कोरल ड्रा में करते हैं, ठीक है, उन लफ्जों की। तो जैसा कि मैं इनका ये वाला गैप खत्म करना चाहता हूं तो मैंने कंट्रोल यू इनको अनडू, ठीक है, अनग्रुप कर लिया है। अनग्रुप करने के बाद मैं सिंपल यहां से एक लफ्ज सेलेक्ट करके अपना लफ्ज को मूव कर सकता हूं किसी भी साइड पे। अगर आपको कोरल ड्रा के बारे में नहीं पता तो आप कोरल ड्रा कहीं से सीख लें या फिर कोई ऐसी वीडियोस देख लें, यूट्यूब भरा हुआ है कोरल ड्रा से, जिससे आपको पता चल जाए कि आप कोरल ड्रा को कैसे यूज में ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं तो EDS पे आपको क्लासेस देने वाला हूं तो कोरल ड्रा का बस मैं आपको इतना ही बता सकता हूं जितना हम इसको यूज में लेने वाले हैं। तो ये मेरे पास इन पेज, मैंने यहाँ पे उर्दू ले लिया है कोरल ड्राम ने, सॉरी इन पेज में नहीं, कोरल ड्राम ने हमने उर्दू ले लिया। तो आप यहाँ पे चाहें तो इसकी कलर करेक्शन यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से इसकी कलर करेक्शन नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इसकी कलरिंग है वो जाकर फोटोशॉप में देने वाला हूँ। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट फोटोशॉप में कैसे करेंगे, तो मैं पहले इसका ब्लैक कलर कर दिया है। ब्लैक कलर करने के बाद आप इसको सेलेक्ट ऑल, ठीक है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करेंगे, उसके बाद आप
कंट्रोल ई करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट करेंगे इसको, एक्सपोर्ट करेंगे आप इसको, तो यहाँ पे हम इसका कोई भी डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेते हैं। डेस्कटॉप पर मैं यहाँ पे क्लास 20, ठीक है, तो मैंने एक फोल्डर बना लिया है क्लास 20 के नाम पर। यहाँ मैं अपना टेक्स्ट है जो शादी मुबारक, ये मेरा टेक्स्ट है, और यहां से आप सिलेक्ट कर लें, जब आपके पास ज्यादा मटेरियल होता है, ज्यादा लफ्ज आपने लिखे होते हैं, तो आप उसमें से एक या दो लफ्ज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, सिलेक्ट ओनली। इससे क्या होगा कि जो भी लफ्ज आप सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो वाले लफ्ज ही एक्सपोर्ट होंगे। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन और हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमने क्या करना होता है, ट्रांसप्रिंट्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इसकी यहाँ से आपने ऑन कर देनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको साथ वाइट कलर देखने को मिल रहा है, और अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो अब हमारी जो फाइल है वो PNG में कन्वर्ट होकर हमें मिलेगी विदआउट बैकग्राउंड। तो मैं इसको यहाँ से ओके, जैसे ही ओके किया ये फाइल हमारी सेफ हो चुकी है। तो मैं इसको अब फोटोशॉप को यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ, और यहाँ पे हम वो वाले साइज का पेज ले लेंगे जिस पेज में हम पहले से काम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 1080 पे काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1080 ही सिलेक्शन करूंगा, और अगर आप 720 पे करना चाहते हैं तो आप पेज को 720 लेंगे। जो भी आप EDS पे काम करना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट पे, उस प्रोजेक्ट का आप यहाँ पे पेज लेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे 1080 का पेज लेने वाला हूँ। तो जैसे ही हमने ओके किया तो हमारे पास ये एक पेज आ चुका है। तो अब यहाँ पे मैं कंट्रोल ओ करने के बाद अपने उस फोल्डर में चला जाऊँगा जिस फोल्डर में हमने उस वाली उर्दू को एक्सपोर्ट किया था। यहाँ मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। तो ये हमने मटेरियल अपना ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इसको मैं यहाँ से पकड़ कर अपना न्यू पेज था मेरा जो 1080 का, उस पर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इस पेज को छोटा करने वाला हूँ, और मैं इसको, ये वाला एंकर पॉइंट होता है, और मैंने इसको एंकर पॉइंट को यहाँ पे रखा, क्योंकि ये वाला यहाँ पे छोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने पेज की कर लेंगे सिलेक्शन। ये चीज हमने रख लिया है यहाँ पे शादी मुबारक। अब एक चीज और आपको सबसे पहले चूज करनी होती है, वो होता है आपका बैकग्राउंड, कि आप कौन सी AVI पे, कौन सी वीडियो बैकग्राउंड पे अपनी उर्दू टाइटल चलाना चाहते हैं। जिस भी आप बैकग्राउंड पे अपना उर्दू टाइटल चलाना चाहते हैं, उस बैकग्राउंड की एक स्नैप पिक्चर ले लें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम EDS पे आ जाते हैं, तो ये मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये कैसे बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वो सीक्वेंस था इसलिए नहीं आया। तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड के तौर पर अपने प्रोजेक्ट को सेव करके, जैसे ही मैंने अपने पी प्रेस किया तो हमारे पास एक स्टिल पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। तो इस वाली स्टिल पिक्चर को मैं ओपन कर लूंगा अपने फोटोशॉप में। तो यहाँ पे ऑलरेडी है एक पिक्चर, तो इस पिक्चर को मैं अपने बैकग्राउंड के पीछे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ इस पे ले आएंगे शादी मुबारक। तो ऐसे हमने क्यों किया है, क्योंकि जब आप अपनी कलर करेक्शन करते हैं तो उस वक्त हमारे बैकग्राउंड का कलर कौन सा है उसकी ट्यून का हमें पता होना चाहिए, और जब हम यहाँ पे कलर करेक्शन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वाला कलर इस यहाँ पे अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की तरफ। तो इसकी कलरिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन, आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, या फिर राइट क्लिक करने के बाद आप आ जाए ब्लेंडिंग ऑप्शन पर। ब्लेंडिंग ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पे आप इसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। कलर ओवर लेयर्स, जैसे ही हमने किया तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रोक लगा सकते हैं इसको, जिसे हम आउटलाइन भी कहते हैं। वो कितनी लगाना चाहते हैं, 10% या फिर 7%, जितनी आप अच्छी लगे। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ड्रॉप शेडो, तो ड्रॉप शेडो भी हम लगाएंगे। तो ड्रॉप शेडो हम देखेंगे कि हम कितने परसेंट लगाना चाहते हैं ड्रॉप शेडो। तो ये हमने यहाँ से कलर करेक्शन कर ली है। तो इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है हमारे पास कलर करने का, वो क्या है, फिल्टर। फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर किया हुआ है, इसका प्लगइन, जिसका नाम है आई कैंडी 4000,
ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड वर्जन है। अब तो मेरे ख्याल से आई कैंडी 7 या 8 अवेलेबल है, अगर आप उसको गूगल कर लें तो आपको सिंपल से वो मिल जाएगी। लेकिन आई कैंडी जो 4000 है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर हो सका तो मैं एक नई लेटेस्ट इस वक्त जो आई कैंडी का वर्जन चल रहा है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके सिंपल है आप अपने फोटोशॉप में उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आने के बाद हम इसका कलर कर सकते हैं, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे कलर मिलते हैं। यही देखें तो अभी हमारे पास बहुत ही एक अच्छा सा कलर है जो वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इसे ओपन करें तो ये कलर की आप लुक देख रहे हैं शाइन वाली, लेकिन ये कलर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको दोबारा से अनडू करने वाला हूं। और दोबारा से आप आई कैंडी पर आने के बाद, ठीक है, चिरोम पे आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं इसकी लाइटिंग पर जाने वाला हूँ, और लाइटिंग पर आने के बाद मैंने यहाँ से कलर कर लिया है रेड। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइटिंग्स है उसको रेड कलर दे रहा है। इसके नीचे हमारे पास दूसरा ऑप्शन फिर रेड का मिलता है, तो यहाँ पर भी हम इसको हाईलाइट रेड कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर लें अपने हिसाब से, जो भी आप इसकी, अगर ये वाली इसकी लाइट है, जिस साइड पे आप इसकी लाइट को रोटेट करेंगे उसी साइड पे ये आपको शेडोज देगी। तो मैं फिलहाल इसको सेंटर करने वाला हूँ, और सेंटर करने के बाद यहाँ से मैं इसकी ये जो आउटलाइन है इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि हमें बिल्कुल ही ये बंद देखने को मिले। ये आउटलाइन है जो मुझे ये नहीं चाहिए, इसके लिए यहाँ पर भी रेड कलर लेना होगा। तो इसको हाईलाइट साइज को मैंने बैक किया, अब बढ़ा लेते हैं, देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। तो ठीक है, हमारी लाइट डाउन हो रही है, तो यहाँ पर से भी आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे ये कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेड कलर है जो वो आई कैंडी में लोड कर लिया है। तो इसको ओके करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से कलर हमें देखने को मिलेगा, और दोबारा हम अपने फिल्टर पर आ जाएंगे। फिल्टर आने के बाद आई कैंडी पर आने के बाद मैं इसको यहाँ से ग्लास, ठीक है, जैसे ही हम ग्लास करेंगे और यहाँ से मैंने इसको वाइट कलर दे दिया है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग आप देखने को मिलती है। तो मैं इसको दोबारा से फिर ओके कर लिया है। मैंने ओके करने के बाद दोबारा आई कैंडी पर जाने वाला हूँ मैं। आई कैंडी पर जाने के बाद मैंने इसको ग्रेडियंट ग्लो, ठीक है, आउटलाइन जिसको आप कहते हैं, वो वाली आउटलाइन मैंने इस पर ऐड कर दी है। ठीक है, आउटलाइन लगाने के बाद इसको मैं हल्का सा शेडो, ठीक है, आई कैंडी में और भी बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा आई कैंडी में। तो ये हमने एक चीज़ कलर रेडी कर लिए हैं, यहाँ पे रेड कलर और वाइट कलर की आउटलाइन और ब्लैक कलर का स्ट्रोक हमने आई कैंडी की मदद से किया है। तो यहाँ पे हम नीचे वाले दोनों फाइल्स को हिडन कर दिया है मैंने। हिडन करने के बाद मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है, तो जहाँ भी आपका बैकअप होगा, जहाँ आप इस फाइल को सेव करना चाहे वहाँ पे आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी इस फाइल को बनाकर रखा हुआ है, लेकिन सिर्फ मैंने आपको समझाना था कि आप इसको कैसे कलर करेक्शन कर सकते हैं, कैसे इन पेज से कोरल ड्रा में आ सकते हैं, और कैसे कोरल ड्रा से आप EDS पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा मेथड, और यहाँ पे मैं अपने कोरल ड्रा को अपने फोटोशॉप को मिनिमाइज करके अपने EDS को ओपन कर लिया है मैंने। EDS को ओपन करने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास शादी मुबारक है, और ये वाले मेरे पास मैंने एक और चीज़ बना रखी है 25 मई 2019, ठीक है, इसके आगे मैंने ये एक थैंक यू का मैंने बना रखा है, तो ये मैंने कोरल ड्रा में ही, ठीक है, लिखा है, इंग्लिश में है इसलिए। तो ये वाला है फिल्म एडिटिंग स्कूल, तो ये भी मैंने वहाँ से ही लिखा है, और इनको मुख्तलिफ कलर दिए हैं, और मुख्तलिफ कलर और मुख्तलिफ फॉन्ट मैंने इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ आपको पता चल सके कि हम इसमें, जब हम इन पेज से अपने EDS में कोई भी उर्दू ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो उस वक्त हम किसी भी फॉन्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आने के बाद ये मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्विक टाइटलर ओपन है, जिसकी वजह से हमारा सीक्वेंस ओपन नहीं हो रहा था। तो ये वाला मैंने कुछ बनाकर रखा था, तो मैं इसकी ऑडियो को म्यूट कर दूं ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। तो ये शादी मुबारक और शादी मुबारक, मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूं यहाँ से, ठीक है, शादी मुबारक, उसके बाद ये 25 मई 2019, थैंक यू, ठीक है, और फिल्म एडिटिंग स्कूल, इस तरह से। तो अब हम देखेंगे कि मैंने इनको कैसे यहाँ पे ला कर इन फ्लावर्स के साथ ट्रैक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 1 पे आ गए हम। सीक्वेंस नंबर 1 पर ये मैंने बैकग्राउंड को
कॉपी कर लिया है यहाँ से दो या तीन दफा, ठीक है, जितना भी आपका मटेरियल होगा, जितनी भी जगह पे आप कुछ लिखना चाहें। तो ये वाला मेरे पास फर्स्ट पे आ जाता है शादी मुबारक, तो शादी मुबारक को मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको अपना लेटर ओपन कर लेंगे, ठीक है। लेटर ओपन करने के बाद मैंने इसकी लेटर की तमाम जो स्केल्स हैं, तमाम जो टाइम लाइन के पॉइंट्स हैं, उनको मैंने क्लिक कर दिया है, चेक कर दिया है। चेक करने के बाद मैंने पॉइंट्स लगा दिए हैं, लगाने के बाद मैंने यहाँ से उठाकर इसको यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर रखने के बाद मैंने इसको ट्रैक करना है डाउन पोजीशन पे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, ये है हमारी एक्स पोजीशन, लेफ्ट टू राइट, इसको आपने बिल्कुल नहीं इधर उधर करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कितनी है, -0.1, -0.40। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको नीचे कर लिया अपनी उर्दू शादी मुबारक को, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे ये आपके साथ कहाँ पे आप, तो मैंने इसको यहाँ पर लाकर ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको पॉइंट को मैं ख़त्म कर दूंगा। ख़त्म करने के बाद ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर मैं पोजीशन, ठीक है, एक्स वाली जो पोजीशन है वो हमारी सेम है, तो उस वाली पोजीशन को सेम ही रहना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चला गया, थोड़ा सा नीचे इस वाले पॉइंट को आगे कर लेंगे तो इसकी स्पीड है जो वो खुद बहुत ही स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब ठीक है, तो अब ये हमारा ट्रैक हो चुका है, और ट्रैक होने के बाद जब हम इसको प्ले करेंगे तो हमारी AVI के साथ ये नीचे की तरफ ड्रैग होता जाएगा, हमारा जो शादी मुबारक हमने लिखा हुआ है। तो इसी तरह दोस्तों, आप उर्दू का वर्ड है जो वो आप तो अपने माइंड से टाइटल को क्रिएट करेंगे कि आपने कैसे टाइटल को क्रिएट करना है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, और आप पे मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आप टाइटल को कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे उसको ट्रैक करते हैं। लेकिन जो उर्दू का फार्मूला है ADS में उसको लाने का और उसको इस्तेमाल करने का, वो यही है बेसिकली जो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अलावा आगे हम आ जाएं तो आगे हम इस वाली 25 मई को, ठीक है, तो यहां से मैं इसको ट्रैक करता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टार्ट पॉइंट आ चुका है, तो स्टार्ट पॉइंट पे फिर से मैंने क्लिक किया और यहां पे तमाम पॉइंट्स को मैंने चेक कर दिया है। चेक करने के बाद मैंने पॉइंट्स लगा दिए हैं। लगाने के बाद हम इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है उसको यहां से ट्रैक करने के बाद इसकी जो एक्स पोजीशन है उसको हम कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के बाद हम नीचे आ गए, तो यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, तो हम इसको नीचे ले आएंगे। यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन को सेट कर लूँ ताकि हमें कोई परेशानी ना आ सके। तो यहाँ पर भी इसकी पोजीशन को, एक्स पोजीशन को मैंने लगा दिया है ताकि हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो दोबारा से, क्योंकि हमारी एक्स पोजीशन है वो हमें बिल्कुल किसी तरफ भी नहीं लेकर जानी, तो एक्स पोजीशन हमारी सेम रहनी चाहिए। तो मैं इसके पॉइंट्स को, हमने ट्रैक हो चुके हैं, तो यहाँ पे फिर मैंने इसको ओके कर दिया। और जब हम यहाँ पे वापस आ जाएं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से, लेकिन अभी 25 मई है जो वो एकदम से आ रहा है, तो हम इसको भी, ठीक है, यहाँ तक मैंने दोबारा आने के बाद पॉइंट्स लगा दिए हैं अपने। पॉइंट लगाने के बाद अब यहाँ पर आने के बाद मैं इसका ये जो लेफ्ट पॉइंट है इसको बंद कर दूंगा। यहाँ पर मैंने बंद कर दिया, और नीचे सॉफ्टनेस पर आने के बाद मैंने 100% इसको सॉफ्टनेस दे दी है। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको, ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी हम इसकी सॉफ्टनेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से आएगा। तो एक काम और आप करेंगे, जब आप हमारे जो पॉइंट्स हैं ये वाले, सॉरी, एक बार इसको सिलेक्शन कर लूं ताकि हम देख लें कि पहले क्या बन चुका है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमने क्रिएट की है। तो ये अगर आप देखें तो शादी मुबारक के बाद 25 मई 2019। तो इसी तरह अपनी AVI के साथ आप अपने मटेरियल को ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी तरह जो भी आप बनाना चाहें ADS पे उर्दू के साथ वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक टाइटल ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है, और इसकी मैंने ऑडियो को म्यूट कर दिया है ताकि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू ना आए। तो इसकी मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ उर्दू, ठीक है।
तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप इन पेज पे आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं और उसको कैसा बनाना चाहते हैं। अगर आप ये वाला टाइटल देखें तो ये मैंने टोटली EDS पे ही क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इन पेज पे, इन पेज की मदद से कोरल ड्रा पे मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। कोरल ड्रा पे डिज़ाइन करने के बाद मैंने उसको इन पेज पे सॉरी फोटोशॉप पे लाकर मैंने उसकी कलर करेक्शन की है, और कलर देने के बाद हमने EDS में उसको बनाया है, ठीक है। तो ये तमाम जो आप इस टाइम देख रहे हैं, तो आप भी इसी तरह यही फार्मूला है EDS पे, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। मैं फिर ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये आपके मटेरियल पे और आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का टाइटल क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन जो फार्मूला है वो इंतहाई सिंपल है, ठीक है। अगर आप जितना ज़्यादा देखें, कोई भी काम होता है वो आप जितना ज़्यादा उस काम पे करेंगे तो आपका आइडिया बनेगा। 2, 3, 4 दफ़ा आप उर्दू टाइटल बनाएंगे, बनाने के बाद आपको एक अच्छा सा आइडिया आएगा कि आप उर्दू टाइटल कैसे क्रिएट करें। लेकिन उर्दू टाइटल क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं, आपको उसके लिए इन पेज का आना ज़रूरी है, एक नॉर्मल सा आपको कोरल ड्रा आना ज़रूरी ज़रूरी है जिसमें आप उसको डिज़ाइन कर लें। इसके बाद आपको फोटोशॉप का हल्का सा आना ज़रूरी है, और उसके बाद आपको EDS पे उसको ला कर इस्तेमाल करने का पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास से आपको पता चल गया होगा कि आप इन पेज से कोरल ड्रा और कोरल ड्रा से फोटोशॉप और फोटोशॉप से EDS में उर्दू कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और उसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से ही मौजूद हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।